नमस्कार, मैं अनुपमा झा, A1 न्यूज में आपका स्वागत। आइए बात करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। महोबा से मोदी फूकेंगे यूपी के परिवर्तन का शंखनाद। सुरक्षा के मद्देनजर महोबा को किया गया हाई अलर्ट घोषित। साथ ही काशी को देंगे 51,000 करोड़ की गैस पाइपलाइन की सौगात। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ दिमाग काम नहीं कर सकता है। राष्ट्रों के समुदाय में सही स्थान सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलनी चाहिए आधुनिक चिकित्सा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इससे उपजने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को होना पड़ेगा एकजुट। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच बैठक में हुई हाथापाई। सुरक्षा कर्मियों ने किया अलर्ट। समाजवादी पार्टी में चल रहे गृह युद्ध में अखिलेश पर बरसे मुलायम। का अमर सिंह नहीं बचाते तो मुझे 7 साल की जेल हो जाती। मणिपुर के उखरुल जिले में सीएम के दौरे से पहले हुए कई बम धमाके, एक जवान घायल। सर्च अभियान जारी। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का किया उल्लंघन। जम्मू कश्मीर की 20 से ज्यादा चौकियों को बनाया निशाना। इस गोलीबारी में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार हुए शहीद। वहीं बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका के उतरने का इंतजार, लेकिन अभी कुछ तय नहीं। विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत 55 साल बाद हुआ रिटायर। सलामी के साथ नौसेना ने विराट को किया विदा। राहिल शरीफ की आलोचना से बौखलाई पाकिस्तान सरकार। एक भारतीय निजी पत्रिका की वेबसाइट बैन करने के लिए उठाए गए कड़े कदम। लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं का सड़क पर विरोध प्रदर्शन। सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों में हुई हाथापाई। देश की राजनीतिक तस्वीर बदल कर रख देने वाले चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश तैयार। साथ ही 4 अन्य राज्यों में भी फरवरी मार्च में लगभग एक साथ चुनाव होने की है संभावना। उदयपुर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान का फटा टायर। इसके चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। स्वदेशी जागरण मंच रांची महानगर ने चीन निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान करते हुए हरमू मैदान से निकाली मोटरसाइकिल रैली। दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं से कथित जबरन पैसे वसूली को लेकर निशाना साधा। साथ ही शबाना ने सीएम पर देशभक्ति खरीदने का लगाया आरोप। पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी पर आज फैसला ले सकती है केजरीवाल सरकार। वहीं दिल्ली के डियर पार्क में पक्षियों की लगातार हो रही है मौत। जियो से टेलीकॉम क्षेत्र में तूफान मचाने के बाद अब मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रसोई गैस सिलेंडर भी बेचेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल नालागढ़ के तहत गांव धबोटा निवासी अजय ठाकुर के दम पर टीम इंडिया बनी कबड्डी चैंपियन। कबड्डी विश्व कप विजेता टीम के हीरो पहुंचे घर, हुआ जोरदार स्वागत। ग्रैंड मास्टर और राष्ट्रमंडल विजेता अभिजीत गुप्ता ने हुगेविन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में रचा इतिहास। 2 बार लगातार खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। शिवाय का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज, दमदार अंदाज में दिखे अजय देवगन। शिवाय दिवाली पर होगी रिलीज। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज। धन्यवाद।